हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज मैंने ब्रेड, मटर और पनीर का ज़बरदस्त नाश्ता बनाया है। एक बार अगर ऐसा आपने बना लिया तो समोसा कचौरी खाना भूल जाएंगे। इस नाश्ते का क्या नाम होना चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। मैंने 4 ब्रेड लिया है जिसे मिक्सी जार में डालकर ब्रेड क्रम बनाना है। इस तरह इसे बारीक ग्राइंड कर लेना है। मिक्सी जार में मैंने मटर को डाल दिया है और इसे दरदरा पीस लेना है। इस तरह से इसे पीसना है। अब पैन में थोड़ा सा तेल डाला है। तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो आधी चम्मच जीरा डाल देना है। जीरा तड़कने लगे तो थोड़ा सा हींग डाल दें, हरी मिर्च डाल दें, थोड़ा सा अदरक डालकर भून लेना है। अदरक को ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो कड़ुआपन आ जाएंगे। एक छोटे साइज का प्याज मैंने काट कर डाला है। 2 मिनट इसे भूनना है। फिर दरदरा पिसा हुआ मटर डाल दें। अच्छी तरह चलाते हुए इसे भून लेना है। फिर इसमें मैंने पनीर को डाल दिया है जिसे मैंने घर में ही बनाया था, और कुछ मसाले डाल दें। मसालों में आप अपनी पसंद अनुसार डाल सकते हो, लेकिन आमचूर पाउडर या चाट मसाला ज़रूर डालें, जिससे नाश्ता बहुत ही चटपटा बनता है। मैंने स्वीट कॉर्न भी डाला है जिसे मैंने पहले उबाल लिया था। स्टफिंग मसाला हमारा तैयार है। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। मैंने उबले आलू को कद्दूकस करके उसमें ब्रेड क्रम डाला है और इसमें कुछ मसाले भी डालें। थोड़े से कटी हुई हरी धनिया भी डाल दिया है। इसे मिक्स करते हुए एक अच्छा सा डो बना लेना है। पानी बिल्कुल नहीं डालना है। 2 चम्मच मैदे में मैंने नमक और पानी डालकर एक घोल तैयार किया है। कुछ इस तरह से बना लेना है। अब लोई को हाथों में लेकर उंगलियों से फैला लेना है और बीच में मसाले रखकर उसे बंद कर देना है। उंगलियों से दबाते हुए अच्छी तरह इसे मोड़ लेना है। इसी तरह सारे लोई को बना लेना है। अब लोई को मैदे वाले घोल में डुबाना है और ब्रेड क्रम में कोट करना है। इसी तरह सारे लोई को कोट करके रख लेना है। पैन में तेल डालकर इसे सेलो फ्राई करना है। तेल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसे पलटते हुए दोनों साइड से सेक लेना है। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहना। फ्रेंड्स, हमारा सिल्वर प्ले बटन आ चुका है। इस रेसिपी के थंबनेल में आपने देखा ही होगा।
मैंने उनके लिए फ़ोटो डाला है जिन्हें नहीं मालूम है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाश्ता बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। बस थोड़ी मिर्ची कम डालें। आप चाहे तो इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं या शाम के नाश्ते में आप इसे बना सकते हो। तो लीजिए, हमारा चटपटा टेस्टी स्नैक्स तैयार है। इसे खाते हुए कटलेट की याद आ सकती है, तो आप भी बनाएं और इंजॉय करें। चलिए अब मैं इसे काट कर दिखाती हूँ। बाहर से कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बने थे। मैंने बचे हुए स्टफिंग का पराठा बना लिया था। चलिए दिखाती हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।